हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्स से गीता तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र है यहाँ पर एस्थेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हैं कि जितने भी यहाँ पे दार्शनिक हैं जितने भी हैं उन्होंने यहाँ पर कला के बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन चलिए अब आ रहा है यहाँ पर कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें मनुष्य अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है इस कला की परिभाषा के लेखक है देखो ये आपको तो परिभाषा पहले तो याद करनी पड़ेगी दूसरी चीज़ अगर हम इसको समझाने को है, तो मैं समझा सकती हूँ कि मतलब ये उन्होंने कहा टॉल ने कि यहाँ पर हमें कला से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है उसका कहने का मतलब ये नहीं है उन्होंने माना कि कला एक मानवीय चेष्टा है यानी कि जो हमें कोई भी चीज़ होती है उसे देखने में या सुनने में जो हमारे मन के अंदर भाव कोई जागृत कर देती है वही एक कला है तो इन्होंने शॉर्ट में भी बोला था कि यहाँ पे कला संप्रेषण है तो संप्रेषण वाला भी याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कट में भी पूछ सकता है कि कला संप्रेषण है या फिर कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं ठीक है क्या बोल सकते हैं कम्युनिकेशन याद रखिएगा आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन चलिए तो अब हम ये चीज़ हो गया तो ये चीज़ याद रख लेना मैंने आपको दोनों में ही बता दिया बाई चांस यहाँ पर इंग्लिश वाले भी हैं तो वो भी याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल टोल स्टॉय हो जाएगा ठीक है जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टॉल स्टॉय हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर बढ़ती हैं टोल स्टॉय ने ही कहा था कि कला संप्रेषण है चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू है तो क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है किसने कहा कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है तो ये चीज आपको बताना है कि किसने कहा था कि कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइए फ्रॉयड हैं क्रोचे हैं मिल्टन है या फिर प्लेटो हैं तो सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा तो क्या हो जाएगा तो बिल्कुल क्रोचे हो जाएगा ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोचे हो जाएगा तो इसको भी बता देती हूँ कि जैसे कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है तो इनका कहने का मानना था कि मतलब जो हमारे मन में यानी कि जो हमारे बाहे जितनी भी भावों मतलब कोई भी इंसान हो उसके भावों की अभिव्यक्ति जो इनके भाव होते हैं जो निकल कर आते हैं जो वही उसके अंदर दिखाने की कोशिश करता है ये क्रोचे ने कहा ठीक है तो यहाँ पर इनको बता देते हैं कि कला प्रभावों की भी व्यक्ति है या फिर ये भी बोल सकता है कि कला बाहे बाहे प्रभावों की अभिव्यक्ति है ऐसी करके भी बोल सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने कहा कि जैसे कि कोई भी आ, मतलब हमारी जो आत्मा होती है ठीक है तो वो हमारे आनंद को मतलब जो हमारे मन को आनंद और शांति प्रदान कर देती है वही एक कला हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर है इन्होंने दो चीज़ बोली हैं तो ये कला यहाँ पे सहज ज्ञान भी बताया है मतलब सहज ज्ञान भी याद रख लीजिएगा और दूसरा है यहाँ पर अंत प्रज्ञा ठीक है तो यहाँ पे बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर कैसा तो यहाँ पे सिद्धांत भी दिए हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंत प्रज्ञा हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा प्रज्ञा कैसे लिख रही हूँ ठीक है ये अंत प्रज्ञा ये वाला जरूर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अंत प्रज्ञा या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं intuition ठीक है तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो इसको भी याद रखिएगा इंट्यूशन का याद रखिएगा चलिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कभी हो सकता है कर कभी की दे दें ऐसे करके इंट्यूशन किसका है तो इंट्यूशन तो आप बता सकते हैं फिर अगर आपने पढ़ा है तो बता सकते हैं किसका हो जाएगा तो बिल्कुल क्रोचे का हो जाएगा ठीक है चलिए तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि मतलब कोई भी चीज़ होती है जैसे कि संगीत यहाँ पर पूरा ही क्वेश्चन दिखाते हैं चलिए तो यहाँ पे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विशालहीन तो कहकर कला को किसने उच्च स्थान दिया ऋग्वेद व्रतहरी और नीति या फिर शिवसूत्र या फिर भरत मुनि शतक तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मतलब कोई भी संगीत को मतलब साहित्य संगीत कला और जितनी भी है ये यानी कि कला के बारे में इन्होंने बताया कि अगर हमारे जीवन में कला नहीं है तो सब कुछ बेकार है ठीक है इवन यहाँ पे पशु पक्षी जो भी है ऐसा तो यहाँ पर कला का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये किसने कहा तो बिल्कुल व्रतहरी नीति ने बोला चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे कला दमित यहाँ पर बता देते हैं ये पमित हो गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा आपका दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है तो ये किसने कहा है यहाँ पे फ्रॉयड लिख देती हूँ मैं एक मिनट तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉयड है ठीक है तो ये फ्रॉयड ने कहा प्लेटो ने कहा अरस्तु ने कहा या फिर क्रोचे ने कहा तो सभी लोग सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा इसका आंसर देखो सभी लोग आंसर दि, दिया करिए ठीक है तो यहाँ पे कभी ये तो चीज़ बता ही था यहाँ पे ये चीज़ क्या है फ्रॉयड तो फ्रॉयड का है ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि हाँ मैम ने लिखा है यही वाला होगा वैसे <laughs> बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही हैं मुझे पता है तो यहाँ पे बता देते हैं फ्रॉ फ्रॉड वो फ्रॉयड हैं तो इनका लिबिडो थ्योरी ज़रूर याद रखिएगा लिबिडो यानी कि वही है लिबिडो आपका दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है तो लिबिडो थ्योरी इनकी हो जाएगी तो इंग्लिश में बताती भी जा रही हूँ तो उसको याद रखिएगा देखो यहाँ पर आपको प्लेटो को भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे अरस्तु क्रोचे सब मिल जाएंगे अभी तो क्रोचे का आप लोग ने देखा ही था कि कौन सा था इंट्यूशन वाला था तो याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे टॉस्टॉय का देखा था तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का था संप्रेषण वाला भी याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन को भी रिपीट एक बार कर लेंगे ताकि आपका रिविज़न भी हो जाए चलिए तो यहाँ पर बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव है यहाँ पे, पे कला में मानव स्वयं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कला में मानव स्वयं अपने विचारों की मतलब कोई भी चीज़ होते मतलब खुद ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है मतलब किसी से पूछता पूछता नहीं है और वस्तु की नहीं किसने कहा मतलब कोई भी चीज़ होती है वस्तु की नहीं करता है अपने जो यानी कोई वस्तु में थोड़ी वो जानवान थोड़ी नहीं कि वस्तु की विचारों के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता यानी कि वस्तु को कोई भी चीज़ होती है उसको सोचकर नहीं जो उसके माइंड में चल रहा है जो जैसा सोचता है वैसे ही उसकी अभिव्यक्ति कर डालता है तो ये डॉक्टर जैनेन्द्र हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर रविन्द्र टैगोर हैं तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि कौन है ऐसा प्राणी प्राणी मतलब कौन सा दार्शनिक ऐसा है जिसने ये कहा था तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर सॉरी एक मिनट यहाँ पर चलो कर देती हूँ बाकी तो सबको दिख रहा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यही है इन्होंने ही कहा था कि मानव स्वयं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं कि कला में जो मनुष्य अपनी ही अभिव्यक्ति करता है ऐसे भी कह सकते हैं यानी कि टैगोर ने कहा मतलब जो भी कलाएं सुंदर होती हैं वही कलाएं हो जाती हैं उनका कहने का मतलब यही है चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बता ही दिया है नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कला कल्पना को अभिव्यक्ति है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है ये है ठीक है किसकी अभिव्यक्ति है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आई हुई सारे क्वेश्चन हैं ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने मन बनाए हैं सारे एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पे कला कल्पना की अभिव्यक्ति करता है तो किसकी करता है मैथिली शरण गुप्त ने कर कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है या फिर शैले ने कहा है या फिर प्लेटो ने कहा है सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए ये किसने कहा है तो सभी लोग आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा शैले हो जाएंगे ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शैले राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो कला कल्पना की अभिव्यक्ति करता है यानी कि कोई इमेजिनेशन हो हम अपने वही चीज़ है सबका वैसे ये है बस उसकी सेंटेंस चेंज कर दिया है बस उन्होंने ये कहा है कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति करता है कोई इमेजिनेशन से बनाता है मतलब कोई इसके कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कोई इमेजिनेशन से बनाता है ठीक है तो यहाँ पर है कल्पना करके बनाता है कि कैसा क्या होना चाहिए चलिए तो यहाँ पर कला सत्य की अनुकृति है तो ये तो यहाँ पर अरस्तु का वैसे भी नाम दी नहीं दिया है तो सभी लोग स्टूडेंट बता ही देंगे तो इसका राइट आंसर क्या है बहुत ही ज़्यादा आसान भी है तो सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट right आंसर क्या है तो यहाँ पर आपने देखा कला सत्य की अनुकृति है ठीक है याद रखिएगा तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा इनका जो प्लेटो तो इसका राइट आंसर तो सबको पता ही है तो प्लेटो इसका राइट आंसर है ठीक है तो यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि कभी कभी पूछ सकता है कि कला सत्य की अनुकृति है ये भी पूछ सकता है कि कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है ठीक है तो यहाँ पर याद रखिएगा यानी कि कोई भी कला होती है वो सत्य से दुग मतलब दुगनी या तीन गुनी दूर होती है ठीक है तो यहाँ पे यानी कि झूठ झूठ पर सब लोग इंसान अपनी ड्राइंग कलाएं दिखाते हैं यानी कि उससे बहुत दूर होती है है ना जो सच्चाई से होती है चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट पर बढ़ते हैं चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बता ही दिया है ना कि इसका राइट आंसर क्या है प्लेटो है याद रखिएगा प्लेटो है चलिए तो यहाँ पर एट पर बढ़ते हैं देखो यहाँ पे इसीलिए मैं चार ऑप्शन के बारे में क्या अब कन्फ्यूजन ना हो जाए अभी देखो मैंने क्रोची का बताया अभी हीगल के अभी आएगा तो हीगल के बारे में भी बताएंगे तो यहाँ पे अभी प्लेटो है तो प्लेटो के बारे में ही याद रखिएगा कला सत्य की अनुकृति है याद रखिएगा और कला सत्य से दो या तीन गुनी यहाँ पर दूर रहती है उसको भी याद रखिएगा और प्लेटो का एक भी चीज़ और याद रखिएगा चलो आया है तो बता देती हूँ यहाँ पे मेमिस स्टोरी हो जाएगी इनकी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले जो दी थी वो प्लेटो ने दी थी इसके बाद यहाँ पर दी थी यहाँ पे अरस्तु ने दी थी ठीक है याद रखिएगा अरस्तु ने बाद में दिया है सबसे पहले मेमिस स्टोरी कौन सी दी है यहाँ पर प्लेटो ने दिया था चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे फिलासफी ऑफ फाइन आर्ट्स ग्रंथ किसने लिखा है तो यहाँ पर ये तो सब लोग बुक के नाम तो जानते ही होंगे कि सबकी कौन कौन सी बुक है तो यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स जो ग्रंथ है वो किसका है तो सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर एट तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा हीगल इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन पर बढ़ते हैं कला के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण रखने वाले दार्शनिक थे तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन बता देती हूँ ऑप्शन है यहाँ पे पर्सी ब्राउन है सोमेश्वर है मनु है या फिर शुक्राचार्य हैं तो सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है देखो ये हिंदी वाले होते ना तो हिंदी वाले तो थोड़ा रटना पड़ेगा कि कला के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण रखने वाले दार्शनिक थे तो बिल्कुल शुक्राचार्य थे ठीक है तो याद रखिएगा चलिए तो यहाँ पे दस नंबर है क्वेश्चन यहाँ पर कला देखो भौतिक की बात आ गई तो आप समझ ही जाइएगा कि किसने कहा है ये ठीक है तो यहाँ पर जो भी देखो पहले आप लोग आंसर दीजिए उसके बाद मैं आपको डिफाइन करती हूँ चलिए तो यहाँ पे है हीगल है मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं या फिर महात्मा गांधी हैं तो यहाँ पर सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कौन है इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हीगल हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा हीगल तो हीगल देखो पैसे भी उन्होंने कोई भी चीज़ होती है कि कलाएं तो उसी को सर्वश्रेष्ठ कलाएँ मानी थी कौन सी काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानी थी क्योंकि यहाँ पर किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है अब यहाँ पर कह रहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है भौतिक मतलब जो यानी कि इंसान को जिससे हमें सुख मिल जाए मतलब कोई भी चीज़ होती है उससे हमें अगर सुख मिलता है तो जैसे कोई अगर डांस कर रहा है तो यानी कि किसी को मन को भाव को जागृत करने के लिए या किसी को बहुत अच्छा लगने के लिए तो वही चीज़ कर रहा है ना तो वही चीज़ हीगल का भी कहने का मतलब था कि हीगल यही चीज़ कहते हैं कि कोई भी भौतिक यानी कि कोई भी भौतिक चीज़ें होती हैं अगर हमें वो कोई सुख प्राप्त कर देती है कोई जैसे कि वॉशिंग मशीन है हमें कपड़े हाथ से धुलने पड़ते हैं वॉशिंग मशीन से जल्दी कपड़े धुल जाते हैं तो यानी कि एक ये एक कला है ठीक है यहाँ पर हमें बैठने के लिए कोई कुर्सी चेयर बढ़िया सी मिल जाए और यहाँ पर किसी ने बनाने वाली तो ये एक कला है ठीक है तो इसे ही वही चीज़ है तो यहाँ पे भौतिक सत्ता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे भौतिक सत्ता है ठीक है तो यहाँ पे भौतिक सत्ता को व्यक्त करने के लिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका राइट right आंसर तो बिल्कुल हीगल राइट आंसर हो जाएगा चलिए तो यहाँ पे इलेवन है तो इलेवन नंबर है यहाँ रस रसदीप्ति के रचनाकार हैं तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा यहाँ पर भामा है या फिर उद्रट हैं या फिर दुद्रट हैं यहाँ पर आनंद वर्धक हैं तो यहाँ पे आनंद वर्धक का भी सारे स्टूडेंट बताइएगा कि आनंद वर्धक का कौन सा सिद्धांत है सभी लोग बताइएगा तो यहाँ पे भामा उद्रट हैं दुद्रट हैं कौन से हैं तो बताइएगा सभी लोग आंसर इसका क्या है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा तो हाँ आनंद वर्धक हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे रसदीप्त के रचनाकार कौन हो जाएंगे आनंद वर्धक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक थे ठीक है तो यहाँ पे बताना है यहाँ पर तो रटने वाला क्वेश्चन है बताइएगा तो प्रथम दास सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है तो सब लोग बता देंगे कौन हो जाएंगे इसका राइट आंसर बताइए यहाँ पर सौंदर्य शास्त्रीय प्रथम दार्शनिक भट्ट रोलट थे अभिनव गुप्त थे भरत मुनि थे या फिर आनंद वो आनंद वर्धन थे तो बताइएगा सभी लोग सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो सब बताइएगा तो यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे तो बिल्कुल भरत मुनि हो जाएंगे तो यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे बहुत ज्यादा आसान था क्वेश्चन तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं यहाँ पे मनुष्य अपने भावों के कला के द्वारा प्रकट करता है अब तो यानी कि वही चीज़ बात कर रहा है कि मनुष्य के अंदर जो फीलिंग होती हैं अंदर वही उसको अंदर निकाल देता है ठीक है यानी कि वो जैसा सोचेगा वो वैसा बनेगा ठीक है यहाँ पे कोई भी चाहे बढ़ई हो चाहे कुम्हार हो ठीक है तो अगर कुछ चीज़ बना रहा है तो जैसे उसके अंदर भाव होंगे वो बिल्कुल उसी तरह का ऐसा दिखेगा है ना तो यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है प्लेटो ने कहा है रस्किन ने कहा है या फिर क्रोचे ने कहा है तो सभी लोग सारे स्टूडेंट आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा रस्किन हो जाएंगे ठीक है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बता देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर प्लेटो रस्किन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल रस्किन हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा कि मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है ठीक है तो यहाँ पे जो जैसा होता है वैसे ही बना देता है जिसका जो भी मन में चलता है चलिए तो यहाँ पे अरस्तु के अनुसार कला क्या है तो सभी लोग जानते हैं कि अरस्तु के अनुसार क्या है तो अरस्तु का भी सभी लोग याद रखिएगा अभी मैंने बताया था इसका कि अरस्तु ने मेमेसिस थ्योरी का सबसे पहले तो अर वो प्लेटो ने दिया था बाद में अरस्तु ठीक है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है अनुकृति है प्रमाण है अभिव्यक्ति है या फिर प्रकृति है तो सभी स्टूडेंट सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा अनुकृति अभिव्यक्ति मत करके आइएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुकृति हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर है सब सर्वप्रथम अगर बात करें तो किसने दिया था यहाँ पर प्लेटो ने दिया था ठीक है याद रखिए बाद में किसने दिया था अरस्तु चलिए तो यहाँ पर आपने अरस्तु के बारे में देख ही लिया अब यहाँ पर अरस्तु के बारे में भी यहाँ पर बता ही दिया था अभी आया था भी क्वेश्चन तो बताया ही था तो यहाँ पर राइट आंसर बता ही दिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिफ्टीन है तो फिफ्टीन आपको बताना है कला अनुकरणीय है ठीक है तो यहाँ पर बताइए तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया तो कला अनुक्रूिय है किसने कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर हीगल अरस्तु क्रोचे तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो गया है तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये किसकी बात कर रहा है तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट बताइएगा किसकी बात कर रहा है तो बिल्कुल अरस्तु की बात कर रहा है ठीक है तो अभी तो यहाँ पे देख ही लिया था यहाँ पे अनुकृति देखा था अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कला अनुकृति है तो ये अरस्तु ने बोला है चलिए तो यहाँ पर देख लिए हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे सिक्सटीन नंबर तो यहाँ पे सिक्सटीन का बता देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिथ्स यहाँ पे मिथ्स हो गया चलिए तो यहाँ पे इतने समझदार हैं तो बाकी बहुत बच्चे बहुत समझदार हैं सब लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं चलिए तो यहाँ पे मिथ्स है मिथ्स एंड सिंबल्स है ठीक है तो यहाँ पे मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन तो बुक पढ़ी होगी तो यहाँ पर सिम्बल्स तो यहाँ पे आप सब लोग बता ही सकते हैं ये किसकी है मिथ्स एंड सिंबल्स ठीक है यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ तो ये ताकि अच्छे से समझ में आए चलिए मिथ्स एंड सिंबल्स है तो आपको आप बताना है ये बुक किसकी है तो सभी लोग स्टूडेंट बताइए देखो कितने अच्छे से लिखा है <laughs> चलिए तो यहाँ पे स्टेला क्रैम्रिश है यहाँ पे अच्छा चौदह ऑप्शन भी दिखा देते हैं चलिए तो यहाँ पे चौदह ऑप्शन स्टेला क्रैमरिश हेनरिक जिमर या फिर आनंद आनंद के स्वामी हैं आनंद कुमार स्वामी हैं या फिर जया अपा स्वामी हैं तो सभी लोग सारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर बुक का नाम तो आप लोग ने देख लिया है ना तो बुक का नाम देख लिया मिथ्स एंड सिम्बल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन तो किसका हो जाएगा तो बिल्कुल हेनरिक जिमर का हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा किसका हो जाएगा हेनरिक जिमर चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था तो यहाँ पर आपको बताना है ठीक है हीगल क्रोचे ब्राम गॉर्टन यहाँ पे टॉमस हैं तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है तो यहाँ पे सहजानुभूति वाला मैंने बताया भी था सहजानुभूति जो यहाँ पर क्रोचे का ठीक है तो यहाँ पे अभी बताया ही था ना मैंने इन का बताया था स्टार्टिंग में जब आया था तो मैंने बताया था कि इन वाला जरूर याद रखिएगा अगर यहाँ पे सहजानुभूति की बात करी है तो बस आंख बंद करके बस क्रोचे लगा के आइएगा तो यहाँ पर मतलब आँख भी नहीं बंद करिएगा तो गलत कर देंगे ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि आँख बंद करके लगाइएगा क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पर आँख मत बंद करिएगा तो यहाँ पर देख के करिएगा समझ के करिएगा तो यहाँ पर सहजानुभूति और दूसरी चीज़ मैंने बताया था आपका अंत प्रज्ञा ठीक है तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा अंत प्रज्ञा अगर आता है तब भी आप क्रोचे करके आएंगे और यहाँ पे वही चीज़ है सहजानुभूति और इंट्यूशन ठीक है तो यहाँ पे सब मैंने बता ही दिया है तो क्रोचे क्रोचे ठीक है तो याद रखिएगा नाम भी अच्छा है क्रोचे तो यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे एटी नंबर है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र उद्दात का सिद्धांत ये तो सभी लोग जानते होंगे अगर वैसे मैंने एग्जाम्बो क्या कहते हैं मैंने थ्योरी में भी करवाया है आपके जितने भी सिद्धांत हैं वो मैंने सब करवाए हैं सभी पढ़िएगा ठीक है तो यहाँ पर अरस्तु का बताइएगा सो so, लॉन्जाइनस का भी बताइएगा फ्रायड भी बताइएगा देखो मैंने सब सब कुछ आपको कराया है तो सभी लोग बताइएगा फ्रायड का कौन सा है शंकुक का कौन सा है तो बताइएगा कि उद्दात का सिद्धांत अरस्तु का है लॉन्जाइनस का है फ्रायड का है या फिर शंकुक का है सभी लोग बताइएगा देखो ये चीज़ मैंने आपको बताया था लॉन्जाइनस का तो ये चीज़ याद रख लेना कौन सा हो जाएगा उद्दात का सिद्धांत हो जाएगा ठीक है लॉन्जाइनस ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है लुन्जाइनस है नाम भी अच्छा है चलिए तो नाम से याद करिएगा जिसके जिसके अच्छे लग रहे हैं नाम उसको तो जरूर याद कर लीजिएगा <laughs> तो यहाँ पे लुन्जाइनस का है यहाँ पे उदात का सिद्धांत है चलिए तो यहाँ पे नाम भी अच्छे हैं तभी तो यहाँ पे जितने भी सौंदर्यवादी जितने भी हैं सब हैं चलिए यहाँ पर एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये तो सभी लोग जानते हैं प्लेटो वॉम गार्टन या फिर हीगल या फिर टॉस्टॉय तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा बॉम गार्टन हो जाएगा जो यहाँ पर एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है यहाँ पर रस की भुक्ति यहाँ पे भुक्ति से ही समझ लीजिए ये भा है तो भा से ही याद रख लीजिएगा कि कौन हो सकते हैं तो यहाँ पे भा कहीं दिख रहा है तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है <laughs> मैं तो कभी कभी ऐसे होते हैं कभी कभी मन में कभी भी पढ़ती थी ना तो ऐसी करती थी मैं तो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर समझ ही गए होंगे कि रस भुक्ति है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल भट्ट नायक हो जाएगा चलिए तो रस की भुक्ति भी पड़ी है रीति मत वाला जल्दी से बताइए रीति मत वाला किसने दिया था जल्दी से बताइए मैंने बताया है अभी देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है चलिए तो यहाँ पर बताते हैं प्रसिद्ध दा ऐसा नहीं है कि मैं देखो सबके कमेंट देखती हूँ तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से बताइएगा एक एक लोगों की कमेंट देखती हूँ चलिए तो यहाँ पर प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य है प्लेटो का है सुकरात का है ईगल का है या फिर क्रोचे का है तो यहाँ पर आपको बताना है पर मतलब जो है प्लेटो है तो अब मां समझ समझ ही सकते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य है तो शिष्य है तो कौन आया है पहले यहाँ पर तो पहले कौन आया है वैसे पहले तो आया है सुक्रात पहले सुकरात से शुरू करते हैं सुक्रात हो जाएगा यहाँ पे किसके गुरु <lists Pokémon> मतलब ये है गुरु ठीक है सबसे पहले आए सुकरात तो यहाँ पे गुरु हो जाएंगे किसके मतलब ये मतलब अरस्तु इनके गुरु ठीक है वो अरस् सुकरात गुरु हो जाएंगे किसके अरस्तु के ठीक है ये याद रखना अरस्तु के क्या हैं ये गुरु हैं ठीक है कौन सुकरात ठीक है अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेट अब हम अरस्तु की बात करेंगे कि अरस्तु अरस्तु क्या है शिष्य हैं तो मतलब यहाँ पे शिष्य हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लेटो ठीक है तो यहाँ पे अरस्तु किसका शिष्य था तो प्लेटो का था ठीक है याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा प्लेटो कभी कभी हो जाता है मैं ही बताते बताते कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ ठीक है तो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ ऐसा ना हो कि कहीं मैंने गलत बता दिया कभी मैं ऐसे रेस करी थी मैंने सोचा ऐसा नहीं तो मैं गलत बता दिया ठीक है तो यहाँ पर याद रखिएगा मतलब ये क्या कहते हैं प्लेटो एक मिनट फिर से मैं बता देती हूँ नहीं तो फिर कहेंगे बच्चे मैम नहीं <laughs> चलिए तो यहाँ पर किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे तो यहाँ पर प्लेटो हैं जो प्लेटो हैं प्लेटो यानी कि सुकरात के शिष्य थे ठीक है याद रखना सुकरात के क्या थे शिष्य सुकरात के शिष्य सुकरात के क्या थे शिष्य थे ठीक है यहाँ पे प्लेटो पहले आए यहाँ पर किसके जो हैं तो सुकरात के शिष्य हो जाएंगे यहाँ पर सुकरात के कौन हो जाएंगे ये शिष्य हैं ठीक है फिर से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ तो ऐसे करके लिख देते हैं चलो सबसे पहले हम लिखते हैं सुकरात तो सुकरात के जो शिष्य हैं वो कौन हो जाएंगे प्लेटो ठीक है तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ऐसे करके ऐसे करके नहीं होगा चलिए तो पहले सुकरात आए सेक्रोटीज़ फिर प्लेटो है तो फिर प्लेटो यानी कि ये कौन हो गए शिष्य हो गए ठीक है शिष्य हो गए चलिए तो यहाँ पे शिष्य हो गए अब यहाँ पर पूछ रहा है और यहाँ पे यानी कि अरस्तु के गुरु हो गए ठीक है याद रखिएगा अरस्तु के गुरु तो यहाँ पे अरस्तु का शिष्य पूछा है ठीक है तो यहाँ पे अरस्तु का शिष्य बताइए प्लेटो सुकरात तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल प्लेटो हो जाएगा इसका राइट आंसर चलिए तो आपका हो गया क्वेश्चन बढ़ते हैं यानी कि प्लेटो गुरु और अस्तु भी गुरु चलिए तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया था ना ट्वेंटी टू चलो ट्वेंटी टू भी बताते हैं यहाँ पर बह कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी यहाँ पे उक्ति ही गायब हुई चलो ये पर, पे क्वेश्चन पे स्किप करते हैं चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं निम्न सॉरी अब चलो दिख रहा है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री है क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है निम्न में से कौन सा भेद ने हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण यहाँ पे वर्गीकरण ठीक है तो याद रखिएगा वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है अमूर्त है या फिर प्रतीकवादी है या फिर शास्त्रीय है या फिर स्वच्छंदतावादी है तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा सभी लोग बताइएगा चलिए तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए तो हीगल की बात आई है समझ लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे हीगल की बात है कि हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है तो यहाँ पे बता देते हैं कि प्रतीकवादी का भी इन्होंने दिया था आपने नहीं पढ़ा होगा कि हीगल ने जो यहाँ पर विश्व की कला को कितने भागों में बांटा था आपको बता देते हैं विश्व की कला को विश्व की कला को तीन भागों में बांटा था किसने हीगल ने बाँटा था ठीक है पहला किसमें बाँटा था मिश्र में मिश्र के जो पिरामिड होते हैं उस टाइप की कला को माना था फिर दूसरा है इन्होंने बताया कि यूनान की मूर्तिकला है ठीक है तो यहाँ पे यूनान की मूर्तिकला में जितनी भी शास्त्रीय कला हो जाएंगी वो आ जाएंगी ठीक है तीसरे में उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे चित्र मूर्ति और मतलब जितनी भी होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत है मतलब तीसरा जो एक्स्ट्रा वाले में आ जाएगा चित्र हो गई आपकी मूर्ति हो गई जितना बड़ाई बड़ा जितना भी सबका काम है वो सब तीसरा वाले में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ तीन भागों में उन्होंने बांटा था तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हीगल द्वारा बताए हुए कला का वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है और ये टी टी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है टीजी में भी आया है और यहाँ पर एल में भी ये वाला क्वेश्चंस आया है चलिए तो यहाँ पे 24 पर बढ़ते हैं फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है तो सभी लोग को पता है कि फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है अरस्तु सुकरात बॉम गार्डन एक मिनट यहाँ पे फिर से मैंने सही कराया है तो यही मत सोचिएगा कि यही सही है वैसे यही सही है <laughs> बॉम गार्डन है बादशयान है तो यहाँ पे फादर ऑफ एस्थेटिक किसको कहा जाता है तो बिल्कुल बॉम गार्डन को कहा जाता है चलिए तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव पर बढ़ते हैं ट्वेंटी फाइव क्या कह रहा है यहाँ पे सौंदर्य क्या है तो यहाँ पर सौंदर्य क्या है कलाकृति है अभिव्यक्ति है जीवन का आनंद है वैसे रिस रस निष्पत्ति है तो यहाँ पर आपको बताना है मतलब जो है सौंदर्य क्या है तो बताइएगा ये मत करिए देखो ये तो कला अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे वैसे मन में चल रहा होगा कि जीवन का आनंद ही आपने पढ़ा है लेकिन यहाँ पर सोचिएगा कि यहाँ पर सौंदर्य की बात कही है इसका मतलब क्या है किसकी बात कही है सौंदर्य की बात कही है ठीक है इसका मतलब सौंदर्य की बात कही है मतलब लौट फिर के वही चीज़ कह रही हूँ कि मतलब यहाँ पर बताया है कि सौंदर्य क्या है तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर जीवन का कोई आनंद वानंद कला वाला नहीं है तो यहाँ पे सौंदर्य साथी जितने भी हैं आपने देखा तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है तो बिल्कुल आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति हो जाएगा और रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि जो रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था तो बिल्कुल किसने दिया था यहाँ पे भरत मुनि ने दिया था ठीक है तो ये देखो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एस्थेटिक का यहाँ से पढ़ के जाइएगा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कह रहा है कि प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है तो ये तो सब लोग बता ही देंगे बहुत ही ज्यादा इजी भी है तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है कि प्लेटो द्वारा सिंपोजियम है सिम्पोजियम वैसे सही है एस्थेटिक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट है फिलासफी ऑफ द स्प्रिट है तो सारे स्टूडेंट एक मिनट सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइएगा कि जो जो जिसका है सब लोग बताइएगा एस्थेटिक का भी बताइएगा क्रिटिक ऑफ जजमेंट वाला भी बताइएगा फिलासफी ऑफ द स्प्रिट भी बताइएगा सभी लोग सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा तो यहाँ पर प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल सिम्पोजियम हो जाएगा तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करिए और इसका आंसर बताइएगा चलिए तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवन पढ़ते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम अनुकरण का और मैंने सारा लिखवाया है सभी बताइए यहाँ पे अगर किसी को भी नहीं पता है यहाँ पे पुस्तक कभी मैंने बहुत सारा अच्छा लिखवा रखा है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं चलिए तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हैं नहीं तो बच्चे बोर होने लगेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है यहाँ पे किसी को बोर नहीं होना है बहुत अच्छे से पढ़ना है अच्छे से प्यार से पढ़ना है आराम से पढ़ना है पेशेंस बना के रखना है चलिए तो यहाँ पे सर्वप्रथम अनुकरण का सिद्धांत दिया था फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा किसने किया है तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए तो किसने किया है यहाँ पे अनुकरण का सिद्धांत तो बिल्कुल कौन सा हो जाए जाएगा। कौन सा हो जाएगा अरस्तु अच्छा यहां पर अरस्तु भी है यहां पे प्लेटो भी है ठीक है तो यहां पे सर्वप्रथम तो तो प्लेटो की ही बात आ जाएगी ठीक है तो याद रखिएगा प्लेटो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है यहां पे ललित कला किसकी बात कर रहा है यानी कि फाइन आर्ट की बात कर रहा है फ़ाइन आर्ट ठीक है बहुत जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में वैल्यू हो गई है फाइन आर्ट की ठीक है जो यहाँ पर बी वाले हैं और एम वाले ही यहाँ पर खुश हैं ठीक है तो यहाँ पे आज आज उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो क्योंकि एमए वाले तो बहुत ही ज़्यादा वो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं एमए वाले जो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से होते हैं उनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है और जो बीएफए वाले होते हैं ना उनकी ड्रॉइंग बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर बाकी ये है कि इनको टेक्निकल ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज होती है और बाकी इनको कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है एम वालों को तो यहाँ पर आज तो बी वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है हमने थैंक और हमने बी कर लिया <laughs> तो यहाँ पे बेचारे वो लोग बड़े परेशान होंगे जिनका एम है ड्राइंग एंड पेंटिंग से गलत हो रहा है चलिए तो यहाँ पर बढ़ते हैं तान पोत त्रिआयामी लय तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है तो यहाँ पे ललित कलाओं में जो समझ ही होंगे कि, कि किसकी बात कर रहा है ये कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पे ललित कलाओं में जो सबसे है तान ऐसा तो है नहीं कि तान की हमें जरूरत तान मतलब क्या होता है हमारा टोन होता है तो टोन अगर नहीं होगी तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पोथ है हमारा टेक्सचर तो टेक्सचर हमारा कोई ज़रूरी नहीं है हो या ना हो मान लो एक ललित कला का आप मान लो जैसे कि आप एक कोई डाइनिंग टेबल एक टेबल ही बनवा रहे हैं डाइनिंग टेबल क्या एक टेबल ही बनवा रहे हैं और हमें टेबल हमें बहुत अच्छी चाहिए तो हमें यानी कि टेबल हमारा क्या फाइन आर्ट में ही तो आ जाता है तो यहाँ पर ललित कलाएँ होती तो यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे तो यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा हमें कोई भी चीज़ पड़ेगी तो यहाँ पर बताइएगा सही आंसर क्या है और तीर त्रिया हमारा कोई तत्व है नहीं तो यहाँ पर ये आपके तीन ही तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे बता रहे हैं दोनों यहाँ पे कट हो जाएंगे तो आपका लयात्मक होना बहुत ज़रूरी है यहाँ वो भी यहाँ पे समान तत्व के रूप में बात करी गई है समान समान ठीक है चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर ट्वेंटी नाइन तो यहाँ पे समान का होना बहुत ज़रूरत है यहाँ पे लयात्मक राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर दीजिएगा कि ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था तो सभी लोग जानते हैं कि ललित कला का जो तर्क संगत यानी कि पूरा ललित कला के बारे में बहुत अच्छे से बताया था वो किसने बताया था तो किसने बताया था सभी लोग सारे स्टूडेंट आंसर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या है सभी बताइएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल हीगल ने दिया था ठीक है तो याद रखिएगा हीगल वाला पूरा याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी सारे स्टूडेंट बताइए कि हीगल ने जो सबसे उच्च कला मानी थी किससे मानी थी अभी मैंने बिल्कुल बताया है ये भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हीगल ने कि कौन सी कलाएं मतलब कितने कलाओं को भागों में बांटा है ललित कलाओं को कितने देखो ललित कला की अगर हम बात करें यहाँ पर ये एक मिनट सुन लीजिएगा यहाँ पे अगर ललित कला की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब कितने भागों में बांटा था पांच भागों में बांटा था नंबर एक किसमें भाग में बांटा था यहाँ पे काव्य कला को बांटा था दूसरा यहाँ पे संगीत कला को बांटा था ठीक है तीसरा यहाँ पे कौन सा बांटा था आपका कौन सा हो गया चित्रकला को बाटा था ठीक है मैंने सीक्वेंस में लिख रखे हैं यहाँ पे चित्रकला हो गया चौथा आपका हो गया कौन सा मूर्तिकला हो गया और आपका लास्ट आपका हो जाएगा वही चीज़ वही क्या कहते हैं स्थापत्य स्थापत्य हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा मतलब स्थापत्य और वास्तुकला ठीक है तो समझ ही रहे होंगे तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची कला मानी है जो सबसे बड़ी कला मानी है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीसरे नंबर की कला कौन सी है तो यहाँ पे तीसरे नंबर की कला है तो आप बता सकते हैं कि चित्रकला है यहाँ पे पहले नंबर की कला है जो सबसे ऊंचे स्थान पर मानी है तो बिल्कुल काव्य कला है क्योंकि इसमें सामान की जरूरत नहीं पड़ती है आओ और कविता करो बस हो गई यहाँ पे मन का लोगों का मन जीत लिया तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी तो यहाँ पर काव्य कला हो जाएगी सबसे उच्च तो बिल्कुल ये ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया था तो बिल्कुल हीगल ने किया था तो यहाँ पर मैंने अभी विश्व की कलाओं के बारे में पूरा बता दिया है याद रखिएगा तीन ही दिए थे एक सिंबॉलिक क्लासिक और एक रोमांटिक मतलब प्रतीकात्मक शास्त्रीय और स्वच्छंद तीन ही दिए थे यहाँ पर विश्व की कलाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा था हीगल ने चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है तो यहाँ पे सामंजस्य है संतुलन है यहाँ पे संतुलन यहाँ पे सामंजस्य हो गया संतुलन हो गया सिक्रेटिक यहाँ पे लिख गया है यहाँ पे सामंजस्य संतुलन चलिए तो यहाँ पे बताते हैं तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि सौंदर्य प्रकृति मतलब जो सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की पसंद से संबंधित सिद्धांत है तो यहाँ पे मतलब किसकी बात कर रहा है सिद्धांत की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको बताना है तो ये आपका कुछ भी मान लीजिए मतलब प्रमाण भी मान लीजिए भी हो सकता है सिद्धांत का तो सिद्धांत में भी आ जाता है ठीक है तो आपको बताना है प्रभाविता भी मान सकते हैं चाहे तो ठीक है तो कुछ भी मान लीजिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कि जो सौंदर्य प्रकृति तो यहाँ पर कौन सा हो जाए? कि मतलब सामंजस्य का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब अगर ये तर, वैसे तो यहाँ पे सिद्धांत वाला एक क्वेश्चन आ गया है आपका तो यहाँ पे संबंधित मतलब जो भी होता है वैसे मैंने संयोजन का सिद्धांत भी आपको पढ़ाया है अगर बाई चांस किसी को नहीं भी समझ में आया है तो एक बार कह सकते हैं मैं उसको भी पढ़ा दूंगी ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर सामंजस्य हो जाएगा चलिए तो यहाँ पे ये चीज़ ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसको ध्यान में रखे पड़िएगा कभी कभी सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे तत्व पूछ लिया जाता है तो देखिएगा कि आपके तत्व हैं या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं ये वाला हो गया है ना चलिए तो यहाँ पे थर्टी वन में बढ़ते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन आपका बताना है यहाँ पे एक्सप्रेशन है ठीक है तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ़ एक्सप्रेशन लिख देती हूँ मैं एक मिनट यहाँ पे कौन सा ये वाला आपको आंसर देना है थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वाला बताना है इसका राइट right आंसर क्या है तो सा यहाँ पर ऑप्शन भी है क्रोचे हीगल टॉस्टॉय या फिर कलिंग बु तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा एक मिनट में दोबारा भी लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन ठीक है तो यहाँ पे बताइएगा सभी लोग स्टूडेंट तो सभी ने बताया ही है ठीक है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन तो ये किसका हो जाएगा क्रोचे का हो जाएगा ठीक है अभिव्यक्ति वाला है बताया ही था क्रोचे याद रखिएगा चलिए तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक मिनट बताइएगा हीगल का भी बताइएगा ये टॉस भी पढ़ा दिया है मैंने तो बताइएगा सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे उसको बता देते हैं कलिंग वुड का बता देते हैं पहले तो एक मिनट यहाँ पर बता देते हैं कलिंग वुड का भी याद रखिएगा कि कौन सा हो जाएगा आपका इमेजिनेशन वाला भी हो जाएगा इसमें याद रखिएगा बाकी टॉस का भी बताया है मैंने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वाला याद रखिएगा किसका टॉस का टॉस का कौन हो जाएगा आपका कौन सा ये कम्युनिकेशन वाला ठीक है याद रखिएगा और क्रोचे का आपका बताया ही था तो उसको भी याद रखिएगा जो आपका राइट right आंसर है ठीक है जो इसका राइट right आंसर कौन सा हो जाएगा एक्सप्रेशन वाला जो आपका क्रोचे हो जाएगा चलिए कौन आपका क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर थर्टी uh, टू यहाँ पर थर्टी टू बहुत ही ज़्यादा आसान सा भी क्वेश्चन है यहाँ पे लिबिडो थ्योरी तो ये आया भी था तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि लिबिडो थ्योरी किसकी है तो सभी लोग स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए सिगमन फ्राइड हो जाएंगे या फिर शंकुक हो जाएंगे या फिर क्रोची हो जाएगा लॉन्जाइनस हो जाएगा तो लॉन्जाइनस का भी बताइएगा तो मैंने लॉन्जाइनस का भी बताया है क्रोची का भी बताया है शंकुक का भी बताया है सिगमंड फ्राइड का भी बताया है तो सभी लोग स्टूडेंट सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा लॉन्जाइनस हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा जो कौन सी लिबिडो थ्योरी है ठीक है उसका ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर यहाँ पे लिबिडो थ्योरी अच्छा यहाँ पे हाँ सिगमंड फ्राइड यहाँ पे सिगमंड फ्राइड का याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका सिगमंड फ्राइड हो जाएगा जो लिबिडो थ्योरी है यहाँ पर किसकी हो जाएगी सिगमंड फ्राइड लॉन्जाइनस का तो वो हो जाएगा आपका कौन सा कौन लॉन्जाइनस का कौन सा बताया था आपका उद्दात का सिद्धांत ठीक है तो यहाँ पे उद्दात का सिद्धांत है ठीक है याद रखिएगा यहाँ पे सबलिम थ्योरी भी बोल सकते हैं यहाँ पर कभी कभी इंग्लिश में बोल सकता है तो यहाँ पे ऐसे करके भी याद रखिएगा यहाँ पे सबलिम थ्योरी भी बोल सकते हैं ठीक है तो याद रखिएगा सबलिम थ्योरी या फिर कौन सा हो जाएगा आपका उद्दात का सिद्धांत हो जाएगा जो किसका है लोनजाइनस का है ठीक है याद रखिएगा दूसरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिगमंड फ्राइड की बात करेंगे तो सिगमंड फ्राइड का कौन सा हो जाएगा लिबडो थ्योरी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप बता ही था जो है कौन सा वो किसका शंकुक का शंकुक का भी सारे स्टूडेंट बताइएगा शंकुक का भी बता देते हैं चलिए तो शंकुक का आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अनुमितिवाद ठीक है याद रखिएगा कौन सा अनुमितिवाद सिद्धांत या फिर हम बोल सकते हैं अनुभूति भी ठीक है तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है तो दोनों ही याद रखिएगा अनुभूतिवाद चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है चलिए तो यहाँ पे क्रोचे का बताया है सारे स्टूडेंट बताइए कौन सा सिद्धांत था क्रोची का तो यहाँ पे संप्रेषणीयता का सिद्धांत है तो अभी ही बिल्कुल मैंने बताया था संप्रेषण वाला सभी को बताया था कि यहाँ पर जो संप्रेषण है और दूसरा कौन सा था मैंने बताया था जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर टॉल स्टॉय का हो जाएगा ठीक है तो टॉल स्टॉय का हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक है तो यहाँ पर सॉरी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है बाकी आपके थोड़े बहुत रिवीजन टेस्ट हैं तो वो आप दे दीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए सारे स्टूडेंट को तो बताइए कि यहाँ पे द्वंद्ववाद का सिद्धांत है तो द्वंद्ववाद का सिद्धांत बताइएगा सारे स्टूडेंट की मतलब किसका है ये तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए यहाँ पे द्वंदवाद यहाँ पे द्वंद्वात्मक ठीक है तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक कर लीजिए ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्वंद्वात्मक का जो सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है ठीक है तो फिर से मैंने उसको फिर से लिख देती हूँ ठीक है कौन सा आपका द्वंद्वात्मक ठीक है वही चीज़ द्वंद्ववाद या द्वंद्ववाद का भी सिद्धांत ऐसे करके बोल सकते हैं तो किसका हो जाएगा आपका हीगल का हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा हीगल का राइट आंसर हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं यहाँ पर अभिव्यक्ति का सिद्धांत फिर से आ गया है तो सारे स्टूडेंट बताइएगा अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति का तो अभी बिल्कुल आया ही था तो सभी लोग बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अभिव्यक्ति का सिद्धांत है तो किसका हो जाएगा आपका सभी स्टूडेंट बताइएगा कौन हो जाएगा यहाँ पे प्लेटो है क्रोचे हैं या फिर अरस्तु हैं बताइएगा राइट आंसर तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा क्रोचे ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोचे राइट आंसर हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर बढ़ते हैं अनुकरण सिद्धांत तो यहाँ पर अनुकरण सिद्धांत आपको बताना है या च, या फिर बोल सकते हैं आप मेमेसिस थ्योरी तो ये किसने दी थी ठीक तो यहाँ पर बताना है आपको राइट right आंसर क्या है तो यहाँ पे मेमेसिस थ्योरी भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जितनी भी आपको बताया है इसको सिद्धांत भी मैंने थ्योरी में कराया है तो आप उसको डिटेल्स में पढ़िएगा तो जितने भी सिद्धांत है मैंने सब कुछ बता ही दिया है तो अनुकरण का सिद्धांत है तो जाएगा तो बिल्कुल किसका हो जाएगा अरस्तु का हो जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन यहाँ पर एक मिनट ये चीज़ फास्ट लिख गया है इमेजिनेशन ठीक है तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दिया है तो सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट right आंसर क्या है सभी लोग बताइएगा वैसे तो ये इमेजिनेशन है तो अभी मैंने बताया ही था कि इमेजिनेशन से जो आर्ट करता है वो चीज़ हो जाएगा तो ये शैले का भी हो जाएगा बाई चांस कभी कभी नहीं देता है एग्जाम में अगर शैले नहीं दिया हो तो आप अरस्तु करके आइएगा कभी कभी अरस्तु का भी राइट right आंसर बता देता है इसका तो यहाँ पर अस्तु का भी करके आइए वैसे शैले राइट आंसर है जो इमेजिनेशन से जो अपनी कल्पनाओं से वो जो कला करता है तो कौन सा हो जाएगा शैल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका यहाँ पे एक मिनट फिर से फास्ट आ गया है तो जहाँ पर थ्योरी ऑफ इंट्यूशन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो बार बार रख देते हैं तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ इंट्यूशन का बताना है तो सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा एक मिनट ये वाला क्वेश्चन आपका ये चीज़ हो गया था ना हाँ तो अनुकरण का सिद्धांत ये वाला हो गया था तो यहाँ पर ये वाला तो बता देते हैं अनुकरण का सिद्धांत तो आप लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन तो बताया ही था कौन सा हो जाएगा आपका शैले का हो तो जाएगा ठीक है एक मिनट ये फास्ट फास्ट देख लेते हैं रह गया है क्वेश्चन तो यहाँ पे चलिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ इंट्यूशन जो लास्ट है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा तो इंट्यूशन वाला है तो इंट्यूशन का मैंने आपको बताया ही था क्रोचे हैं तो क्रोचे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे कला सहज ज्ञान या अंतर ज्ञान बता ही था उसको याद रखिएगा अगर संप्रेषण का बाई चांस पूछता है तो संप्रेषण का कौन सा हो जाएगा जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा लास्ट वाला तो यहाँ पे तो बिल्कुल हो जाएगा आपका कौन सा तो बिल्कुल टॉल स्टॉय हो जाएगा टॉल स्टॉय हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं आपका कम्युनिकेशन ठीक है तो यहाँ पर टॉल स्टॉय ठीक है कभी कभी लिखने में आ रहा है यहाँ पे टॉस्टॉय हो जाएगा ठीक है तो टॉस्टॉय को कम्युनिकेशन हो जाएगा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण ठीक है तो याद रखिएगा सारे स्टूडेंट बाकी यहीं पर आपकी क्लास ख़त्म होती है चलिए बढ़ते हैं कल दो बजे क्लास होगी आपकी तो सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए ओके गुड नाइट एवरी बाकी फिर मिलते हैं कल साढ़े सॉरी दो, दो बजे ओके थैंक यू अगेन अगेन